गरीब छात्रों के लिए ये है कॉलेज, हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं। तो इसमें हमारा मांग ये है कि इसमें ये आप कहाँ बिहार शरीफ के कॉलेज के बारे में, बिहार शरीफ इसको दो शिक्षक। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में विभिन्न जिलों से फरियादी जो है वो पहुंच रहे हैं अपनी अलग अलग समस्या लेकर। वहीं नालंदा कॉलेज के बिहार शरीफ से एक छात्र जो है यहां पर पहुंचे और बता रहे हैं कि नालंदा कॉलेज जो है वो पूरे बिहार में सबसे पुराना कॉलेज में से दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर कम रिसोर्सेज में भी ये लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है कि जब चुनाव का समय आता है तो इस कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया जाता है और क्षतिपूर्ति जो है वो भी नहीं पूरा किया जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं ये छात्र, अपनी समस्या बता रहे हैं ये छात्र, सुनिए। और एक कहना है इसमें कि नालंदा कॉलेज बिहार का दूसरा पुराना कॉलेज है। यहाँ सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई है और लाइब्रेरी है। लगातार कम रिसोर्सेज में भी विद्यार्थी बढ़िया, जो हम लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लगातार हमेशा हर वर्ष क्या होता है कि ये चुनाव के समय में, एग्जाम के समय में कॉलेज को अधिग्रहण कर लिया जाता है। लगभग 6 महीना हो जाता है, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पैक्स चुनाव, नगर निकाय चुनाव आदि चुनावों में लगभग 6 महीना बंद हो जाता है। उसमें पुलिस गिराते हैं। अभी तक पिछले 2022 में दिसंबर में चुनाव हुई थी, अभी तक अधिग्रहण किए हुए कॉलेज में, उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं की जाती है कॉलेज को, और हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है, लाइब्रेरी जाना मुश्किल हो जाता है, कहाँ पढ़े हम लोग। गरीब छात्रों के लिए ये है कॉलेज, हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं। तो इसमें हमारा मांग ये है कि इसमें आप कहाँ बिहार शरीफ के कॉलेज के बारे में, बिहार शरीफ इसको दो शिक्षक। तो आपने सुना कि छात्र किस तरीके से अपनी परेशानी बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि कैसे 2021 में ही दिसंबर में चुनाव हुआ था, लेकिन अभी तक उस कॉलेज की स्थिति वैसी ही है, क्षतिपूर्ति भी नहीं की गई है और गरीबों के लिए कॉलेज है, ये लोग यहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं। इस तरीके से जब चुनाव के समय में इस कॉलेज का अधिग्रहण हो जाता है तो इन्हें पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।